और इस दुश्मन से अल्लाह की पना चाहो। ये दुश्मन जो नहीं चाहता है कि आप ये दौलत हासिल करें, वो नहीं चाहता है, मर्दूद हो गया। अब इसी में इसका नाम क्या पड़ा? शैतान रजीम। शैतान किसे निकला? शतन से। शतन के माने बाईद के, दूरी के। ये दूर रांदा फेंका गया है। और रजीम फईल उनके वतन पर बमाने मफूर यानी मरजूम। रजीम के माने मरजूम यानी संगसार करके धुतकारा गया हुआ, जिसको यानी आप किसी को पत्थर मार मार कर भगा देंगे। जैसे जब कुरान नाजिल हुआ उसके बाद जब शयातीन का जो आसमानों की तरफ जाते हैं कान लगाने, तो वहां से मलाइका इनको ये जो है शहाब साकिब और दूसरी चीजों से इनको आग के भगोले इन पर फेंक फेंक कर इनको भगाते हैं। इस एतबार से इनको रजीम, इसको रजीम कहा गया। क्या कहा गया? शैतान रजीम। एक इसका ये नाम ही इस चीज से है कि ये अल्लाह की रहमत से बहुत दूर है और ये मरजूम है, संसार किया हुआ, दुत्कारा हुआ है। ठीक। अब इसकी हालत तो ये है, अब जब किसी मोमिन बंदे को देखता है कि ये अल्लाह के कुर्ब की तरफ जा रहा है, तिलावत कलाम पाक से बंदे को क्या होगा? अल्लाह का कुर्ब होगा। और इसको खुद को क्या हुआ है? दूरी। तो जलता है तो फौरन इसकी आग भिगोला हो जाता है कि ये शख्स कैसे ये दौलत हासिल करेगा। तो फौरन आ जाता है कारी कुरान के पास, हाफिज कुरान के पास, तिलावत करने वाले के पास, दीनदार मोमिन बंदे के पास, मदरसे के बच्चे के पास। लेकिन अल्लाह जल्ला शानहु ने क्या फरमाया कि पहले आप एक पनागाह अपने लिए बनाओ, एक किला बनाओ, एक हसीन हिस्न बनाओ, एक किला बनाओ। पहले आप एक मजबूत किले में दाखिल हो जाओ। और वो किला क्या है? ताऊज। क्या है? इस्तेआज़ा। इस्तेआज़ा ताऊज यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कभी गौर किया इस माने पर? बारहा और हजार बार पढ़ते हो, लाखों बार पढ़ा होगा जिंदगी में। कभी ताऊज पर गौर किया है? आऊज़ु, मैं पना मांगता हूं, आऊज़ु बिल्लाहि, ये बा क्या है? बा क्या है? इल्साक के लिए। ये बा जो यहां आया है इल्साक के लिए, बिल्लाहि किसके लिए आया? इल्साक के लिए है। और आगे देखो, गौर करो, इसमें कोई सिफत नहीं है। अल्लाह जल्ला शानू की कोई सिफत नहीं बयान की गई है। बिर रहमान, बिर रहीम, बिल कहार, बिल गफूर, बिर रहीम, बिल वहाब, तो ऐसी सिफत नहीं। बिल्लाह किसे? अल्लाह। इसमें अल्लाह किस चीज की तरफ इशारा है? या अय्युहत्तुल्लाह, अल्लाह इसमें जात है। क्या है? इसमें जात है। और जात में सारे सिफात शामिल होते हैं। ये जामिया अस्माउल्लाह में से जामिया तरीन इसम जो है वो अल्लाह है। खूब गौर करो, ये बेशऊरी से जो हम दीन हासिल करते हैं इसलिए हमें फायदा नहीं होता, वरना सिर्फ आऊज बिल्ला पड़ेगा तो बस काम हो गया, पूरा समझो काम हो गया। जो सिर्फ आऊज बिल्ला पड़ेगा, मैं पना मांगता हूं, मैं किससे? और जितने भी उलूम है और जितनी भी मारिफत है, जितने भी उलूम, जितने भी मारिफत है, उस सब का जो निचोड़ है, उस सब का जो खुलासा है वो ये है कि बंदा अपनी आजिजी समझे। बंदा क्या समझे?
अपने इंजिट को समझे और अल्लाह की कुदरत को समझे, एक तरफ से अपनी इज्जत को समझे, बंदगी को समझे, और दूसरी तरफ से अलोहियत को। और दो ही चीजें हैं, या तो बंदगी है या अलोहियत है, या तो बंदगी है या अलोहियत है, ठीक है। या और बंदा इसीलिए जो कहा गया मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु। अब ये हदीस है या नहीं है, मफहूमन ये बिल्कुल सही है। मफहूमन एक तरफ से बंदा जब अपने इज्जत को समझता है, अपने इज्जत को इदराक करता है, उसी तरह उसी वक्त कमाल कुदरत का भी इदराक करता है। नहीं समझे, ये औज़ु बिल्लाह क्यों पड़ेगा, बंदा औज़ु बिल्लाह क्यों पड़ेगा। औज़ु बिल्लाह इस तरह से पड़ेगा, पहले इस इज्जत का, इस कमजोरी का, इस ज़ौफ का इकरार करेगा, ए अल्लाह मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं शैतान से बचूं, मेरे अंदर नहीं ताकत। अगर मेरे अंदर ताकत होती मैं समझता, मैं अल्लाह दूसरे से क्यों मदद मांगता था, दूसरे से कौन मदद मांगेगा, जो खुद मोहताज हो। अगर किसी के पास कोई चीज मौजूद है दूसरे से मांगेगा, मांगेगा नहीं मांगेगा। तो जब ये औज़ु बिल्लाह पढ़ता है, जब ही इस्तेआज़ा पढ़ता है, तो पहले ही किस चीज का इकरार करता है जी, अपने इज्ज़त का। और बंदगी नाम किसका है, बंदगी की तारीफ क्या है, अतज़ल्लुल, अल्लाह के सामने अपने आप को हकीर नाचीज आजिज ज़लील समझना, बंदगी की तारीफ है। ये अब्द की तारीफ, कामूस में देखो आप, अब्द की तारीफ, बंदे की तारीफ क्या है और बंदगी की तारीफ क्या है। बंदगी की तारीफ क्या है, अपने इज्जत को समझ लेना, मैं एक आजिज ज़ईफ कमजोर नातवान, अल्लाह तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं कर। ये कुरान वाकई बहुत बड़ा खजाना है, ये कुरान वाकई बहुत बड़ी नियमत है, लेकिन मेरे अंदर जो आपने जो अदुवे मुबीन, जो जो दुश्मन मेरे अंदर, खुद में ये ताकत नहीं है। तो किस चीज का इदरा किया, पहले पहले स्टेप पर, पहले नुक्ते पर किस चीज का इदरा, इदरा समझते हो यानी समझना, किस चीज का, मैं आजिज हूं, मैं कमजोर, और ये निस्फ सुलूक ही है, निस्फ सुलूक ही है, निस्फ रास्ता तय हो गया। अपने आप को अगर आजिज समझा, कमजोर समझा, अपने अपनी अपनी जो है अनानियत खत्म हो गई, नहीं हो गई, अपना तकबर गया नहीं गया, अपनी अनानियत मैं हूं वो गया नहीं गया, तो ये निस्फ तो यही है। जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह मैं तेरे पास कैसे आ जाऊं, मैं तेरे पास, तो फरमाया दा नफ्सा का वता, ये क्या बड़ा मसला है, दा नफ्सा का वता, नफ्स को छोड़ और आ जा, बीच में जो हिजाब है, जो दीवार है तुम्हारे और मेरे दरमियान, जो हिजाब है, जो दीवार है, वो तुम्हारा नफ्स, उसको छोड़ तो खुद ही कौन जाए। दा नफ्स का वता, क्या फरमाया, दो ही कदम है ये सारा सफर, दो ही कदम है पूरा सफर, एक कदम रखना है नफ्स पर अपने, और दूसरे कदम में अल्लाह जल्ला शानहु के कुरब में होगा। तो यहां ये पहले ही जीने पर, हमको हम इस्लाम को नहीं समझे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या दे कर गए, गैर गैर कौमे, गैर लोग, अंग्रेज, ये ईसाई, ये बेचारे ये क्या जानते। मैंने आपको बार बार कहा वो अंग्रेज कितना, इसी यही इस मदरसे में आया था, कितना फूला ये फूले से नहीं समाता था कि हमें, ओहो मेरे पास बड़ी चीज है, अभी क्या चीज है, क्राइस्ट हैज टोल्ड अस, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बाइबल में लिखी है, क्या है, गॉड इज लव, ये एक जुमला, और इस पर वो फूले नहीं समाता। अरे अल्लाह के बंदो,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या दिया है, पूरी जिंदगियां हजार जिंदगियां भी कम है उन चीजों को समझने को, कैसी नियामत है। अब देखो आऊज़ बिल्लाह एक जुमला है जो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये जो एक मुफस्सिर ने लिखा है इज़ा तगलगला, वहां फिर तगलगला ही है, तगलगला नहीं है, इज़ा तगलगला फि तौहीद, वतवक्कला फि खैरिल हकाइक, जो घुस गया तौहीद में, आगे घुस गया तौहीद में, वो हकाइक के बहुत गहराइयों में चला गया बहुत आगे, जो घुस गया किसमें, बहरे तौहीद में। अपने आप को मुवाहिद कहना आसान है लेकिन तौहीद समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत लोग अपने आप को मुवाहिद कहते हैं और चंद फरूई मसाइल को लेकर अपने आप को मुवाहिद कहते हैं। अरे तौहीद समझना बहुत बारीक चीज है, ये बहुत गंभीर चीज है। फरमाया किराम ने फरमाया तौहीद को बयान करते करते शिर्क का इतमाल होता है, इतनी बारीक है तौहीद। पहले देखो आऊज़ बिल्लाह तो कहां गया, बहरे तौहीद में खो गए, एक अपने इज्जत को, वो कुरान को समझकर इसको समझने की जरूरत है, ये खजाने मत जाया करो, ये नियमतें मत जाया करो। आऊज़ पढ़ा, आऊज़ बिल्लाह पढ़ा, फिर क्यों शैतान आया तुम्हारे पास, कैसे आएगा, उसकी क्या मजा, उसकी मजा है नहीं मजा है। हाँ दिल से पढ़ता है, एक बार समझ कर पढ़ता है आऊज़, हाँ अपने आज जी को समझते, ए अल्लाह ये बहुत बड़ी नियामत है लेकिन ये दुश्मन तो ये बहुत बड़ा दुश्मन है ये मेरे अंदर। अब आगे अल्लाह की जात का तसव्वुर करता है, अल्लाह की जात का तसव्वुर करता है, उसी को कहते हैं बहरे तौहीद में गर्क हो जाता है, इसमें बहरे तौहीद में गर्क हो जाता है। अब फिर जब हो गया तो इसका काम तो हो गया, ये तो पहुंच गया पहले ही लफ्ज। और बाज यानी दूसरी आयत में फस्तईज बिल्लाह वहुवस समीउल अलीम, फैजा करात अल कुरान फस्तईज बिल्लाह वहुवस समीउल अलीम, और वहां समी और अलीम के दो सिफतें खास तौर से बयान की गई हैं, खास तौर से कौन सी दो सिफतें बयान की कुरान में, जब आप इस शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह, अल्लाह को अल्लाह से ये दरख्वास्त करते हो ए अल्लाह हमें एक महफूज किले में दाखिल फरमा, ये जहां ये शैतान दाखिल ना हो जाए, तो उसने दिल में वसवसा डाल दिया, उसने दिल में वसवसा डाल दिया, क्या वसवसा डाल दिया, वो पता नहीं सुना नहीं सुना, जिसको मैं कहता हूं पता नहीं सुना नहीं सुना, ये वसवसा इसको जगा मत दे, तो वह सनी वो सुनने वाला है, वो सुनने वाला है। अब फिर वसवसा डाल रहा है, क्या उसको मेरे हाल की खबर भी है, वो जानता है, वो तो पहले क्या शर्त है, शर्त ये है कि जिससे पनाह मांगी जाए वो सुनता, और अल्लाह के बगैर कोई नहीं, और दूसरी शर्त ये है कि वो मेरे हाल को जानता हो और इस दुश्मन को भी जानता हो, इसके दावों पेश को भी जानता हो जी, और उसके बाद उसमें कमाल कुदरत हो कि वो मुझे इस दुश्मन से क्या करे, हिफाजत की ताकत रखता है, वो इस दुश्मन ये जो है ये अदू, ये मतलब जाहिर खुला हुआ दुश्मन नहीं है, तो अल्लाह जल्ला शानु को जो आपने इसमें जात का ये किया, ये इसमें जात का इस्तेजार किया, इसमें जात यानी अल्लाह अल्लाह
तो अल्लाह के कमाल कुदरत का आपने इकरार कर लिया। अल्लाह जला शान होती क्या किया, कमाल कुदरत का इकरार किया। अब यही सारा यही तो चीज है जो आपसे यानी जो अल्लाह आपसे चाहता है। अल्लाह आपसे चाहता है कि आप अपनी आजिजी को मान ले, इकरार कर ले, अपनी खुदी को छोड़ दे, अपनी अनानियत को छोड़ दे और अब अल्लाह के सामने अपने आप को आजिज महज समझे और फिर अल्लाह की कामिल कुदरत पर पूरा यकीन करे। अब ऐसे अगर आऊज़ बिल्लाह